जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाने लगे ना मक्का फ़तह करने के लिए, तो हज़रत हातिब ने अभी बलता ने ख़त लिख दिया उनको, ख़त जड़ा हो तो पैरों कढ़ने वाला है, क्यों जी? लेकिन हजूर ने मना किया था मक्के वाले नु इतला नहीं देनी। हज़रत हातिब ने अभी बलता ने ख़त लिख दिता, ख़त किए, इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कद तवज्जा इलैकुम बिजैशिन कल्लैले यसीरो कस्सैले वाक्सिमु बिल्लाहि लौ सारा इलैकुम वहदहु लनसरल्लाहु अलैकुम फइन्नहु मुनजिजुन मा वादहु फीकुम फइन्नल्लाहा तआला नासिरुहु व वलीयु। सुभान अल्लाह, हुजूर ने खत पकड़वाया ना, क्यों जी? हज़रत मौला कायनात हज़रत मिकदाद बिन असवद ज़ुबैर बिन अव्वाम, हुज़ूर ने फरमाया जाओ ज़िनानी जा रही रौदा खाक, तो नप के लिए आओ दे कोड़ खाते। मौला कायनात गए तो फरमान लगे उठी जा रही सी जिथे हुज़ूर ने फरमाया, फरमाया खत कट, उन्हें लै तो लाल किया, उन्हें क्या खत कोई नहीं। फरमा मौला अली फरमान लगे अली खड़े न तेरे सामने, ये हैदर करार खड़े न, ये असदुल्ला अल गालिब ते मामुल मशारे खड़े न, खत कट। उन्हें कहा कोई नहीं। मौला अली फरमाया अल्लाह नु जर्रे दन्ना के मैं खत तेरा कटना है भावे किस जरिए, ये हम तर्जमा मैं नहीं करता। हाँ जी लोगों ने हजम क्यों, क्यों हम क्योंकि इस्लाम बड़े तहमुल का जो दर्श देता है। एक औरत ये कह रही कि भाई मेरे को खत नहीं थे, मौला अली नु हुण तुसी भी अली नु तहमुल सिखाना है। एक तरफ हजूर का फरमान था, एक तरफ औरत थी, तो फिर सहाबा तो जानते थे। हाँ जी मौला अली फरमाया ओ अली जिधर कुरान गया तो अली उधर गए, जिधर हक गया तो अली उधर गए। जेडे सूरह फातिहा के बारे इतना इलम रखते हैं कि फरमान दे 70 उठ भी भर देव मैं लिख के तफसीर लिखा तो उन्होंने भी तहमुल। ओए केड़िया बोलियां बोल के बोल दो तुसी टीवियां ते बैठ के सारे कट्ठे होके, इस्लाम बड़े तहमुल का दर्श देता है। मैं कहा मौला अली नूं चाहिए सी, एक जनानी कह रही मेरे को खत नहीं, तो कहते ठीक है जी हजूर को पकड़ के लै जाते कि हजूर आपने फरमाया जनानी जा रही खत नहीं मिलया। मौला अली फरमान लगे खत कढ। मुर्तजा शेर हक अशजाउल मुर्तजा शेर हक लनु जर्रे दन्ना के लनु जर्रे दन्ना के, उन्हें खत काट देता। बहरहाल जब वापस आए तो मेरा कहने फरमा पढ़ो की लिखा, हजूर एडा वड्डा लश्कर लिया रहे के उदी इंतहा ही कोई नहीं, जिमें रात पै जाए तो पता लगना कितने अगू चलना। हजूर इंज लश्कर लिया रहे थे, और लश्कर चलता किमें का सैल है, जिमें समुंदर दियाँ मौजा चल दिया हजूर का लश्कर इवें चलना। तो फरमाया मैं कसम चुक के कहना जी हजूर तनहा भी आँदे तो रब ने अपने हबीब की मदद करनी सी, ये मत समझना मैं हजूर अक्सम बिल्ला लो सारा अलैकुम वहदा उल्ला नसरा उल्ला अलैकुम। इतना डाढ़ा खत लिखा मुझ ए खत पढ़ के मुशरकी ने मक्का दे वैसे ही आसान खता हो जाने सन, लेकिन हजूर ने चूंकि मना किया कि उन्होंने इतला नहीं देनी। तो हजूर ने फरमाया हातिब ये क्या है? हजरत उमर ने जो उत्थे जलाल विखाया ना वो तो मैं बयान नहीं करता, हजरत हातिब ने अदब की वजह तो बदरी साहबी हैं। एक गल्ला सानू कोई ना सिखाए दीन, असी इंशाला दीन पढ़िया तहमल और बुरदुबारी। हजरत उमर उत्थे हजरत हातिब ना की गल की मतलब, हाँ जी हजरत उमर ने जो डाढ़ी गल की तो तर्जमा ही नहीं हो सकता। मैं तुम खत क्यों लिखा उन्होंने जो हजूर ने मना फरमाया, इतने सारा दीन की मुखालफत करके भी इश्क रसूल हों, ये ओ ही हातिब इब्ने अबी बलतान जना मैदान है ओहदे च जद हजूर का खून बह रहा सी ना, तो अरज चीख मारी हजूर है किने मारिया पत्थर, हजूर ने फरमाया फलाने बंदे ने मारे, अरज की गया किधर है? आपने फरमाया इधर गया, तो आप फिर जो तलवार लैके वो पिछे दौड़े ना, तो आपने जो वेख्या नसया तो आपने फरमाया हजूर ने पत्थर मार के नसदा, आप की इस आवाज ना उठी जामिद हो गए सी। साहबी साहबी कहीं कहते जी इतनी सख्त नहीं बोलना चाहिए, मैं कहो नहीं बोलना चाहिए जो तो आपस बैर के बंदा माँ प्यो पुत्रा ना दिया ना गल कर रहे हो उसे वाकई नहीं चीखना चलाना चाहिए, लेकिन जब तो गल दीन दी हो रसूलुल्लाह ते फिर आला सौतू हजूर की आवाज़ तो बुलंद हो जाती थी, इहमरत आयना हो हजूर की आंखें तो सुर्ख हो जाती थी, वश्तद्दद गदबहू और हजूर के गुस्से और जलाल के अंदर मजीद इजाफा हो जाता था। क्यों जी? हजूर जब खुतबा देते थे तो खुतबे का अंदाज तो ये होता था, हुण तुसी कौम नूं ये धोखे नहीं दे सकते कि हजूर ने खिताब किवें फरमाया। क्यों जी? कानाउ मुनजिरो जैशन, हजूर तो ऐसे खिताब फरमाते जैसे हजूर ऐसे बड़े लश्कर से डरा रहे हैं, कद सबहाकुम व मस्साकुम, कि वो लश्कर या सुबह हमलावर हुआ या शाम को हमलावर हुआ।
इस वास्ते दीन नाल खड़े होवो, खाली हर बंदे का दिल करता है दीन तख्त पर आए लेकिन मरे उसके लिए कोई और, सच अच्छा है लेकिन उसके लिए मरे कोई और, नामूसे रिसालत पर पैरा बड़ा अच्छा है लेकिन वो सिर्फ मुमताज कादरी दे, क्यों जी, और खत्मे नबुव्वत पर पैरा बड़ा अच्छा है लेकिन फैजाबाद न जाना पड़े, क्यों जी, अंदर ही बैठ के सुभान अल्लाह। हजरत साहब बड़े आशिक रसूल जी, क्या बात है जनाब, मैं जे इश्क पढ़िया कोई नहीं, क्यों जी, जे सहाबी हो के हजरत हातिब बिन अबी बलता ना ए हजरत उमर गल की, फिर काब बिन मालिक ते मुरारा बिन रबिया ते हिलाल बिन उमैया तबू के जो पिछे रह जान बगैर वजह तो रह जाने, ये नहीं कि इरादा तन रह जान, हजूर उन्होंने 50 दिन नहीं बोले, ऐ तुसी मत ए समझना, वो जो हौज़े कौसर तो हजूर ने फरमाया ना कई लोगों धक्के दिते जाएंगे क्यामत में, ऐ यार घर सौन तो पहले जरूर सोचना यार किधरे मैं ही ना, किधरे मैं ही ना, जे हौज़े कौसर तो धक्के मिल गए क्यामत वाले दिन फिर किधर जाना है, बखुदा खुदा के यही है दर, जो हजूर क्यामत नूं फरमा दिता लोगों तो मैंने ऐसे पत्थर मारे थे, तू मेरे दीन नाल दो नमरियां करता रहा, तू लूमड़ी बना रहा, लूमड़ी की चलाकियां करता रहा, देखो जी मैंने तो कुछ भी नहीं होया, मेरे तो कुछ भी नहीं हो, मैं भी तू घूरना, मैं भी बड़ा बड़ा मुबल्लिगा तो मैंने तो कुछ नहीं हो, मैं कहा नबिया नूं पत्थर पै तेन क्यों नहीं पै, क्यों जी, ये मतलब तू हक गल कभी की नहीं, खुलो के अजीम दे मालिक ते रसूलुल्लाह ते हुजूर दा मुबारक लहजा क्यों जा, क्यों जी हुजूर दे लहजे तो वज के लहजा किसे दा नहीं सी, हाँ जी, ते अबू हुरैरा फरमांदे ने जदों असीं हुजूर दा चेहरा अनवर वेखदे सी ते पता लगदा सी भाई सूरज चेहरे विच चल रहा, हुसन भी इंतहा उते ते लहजे भी इंतहा उते ते खुलक भी इंतहा उते ते खलक भी इंतहा उते, इस वास्ते हुजूर दे दीन नाल खड़े होवो। पाकिस्तान का मतलब क्या, ए दिल्ली तक भी आवाज जाए तो इस्लामाबाद तक भी जाए तो मजीर ट्रंप तक भी जाए, हुजूर आ गए बात खत्म हो गई। अब खालिद बिन वलीद ने आकर तलवार नहीं चलानी, अबू उबैदा बिन जर्रा ने नहीं चलानी, यूसुफ बिन ताशवीन दोबारा नहीं आना, क्यों जी, शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पर तो मैं जा सकता हूँ लेकिन दोबारा शहाबुद्दीन उठ खड़ा हो ये ऐसे नहीं होगा, हाँ जी, नूरुद्दीन भी नहीं उठेगा, क्यों जी, सलाहुद्दीन भी नहीं उठेगा, इल्तमश भी नहीं उठेगा, जहीरुद्दीन बाबर भी अब दोबारा, सुल्तान टीपू भी नहीं उठेगा, क्यों जी, अब काम आपने करना है, काम आपने करना है, उनकी रूहें आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी, उनकी दुआएं आपकी तरफ जरूर मुतवज्जे हो जाएंगी, लेकिन खड़ा आपने होना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या,